हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू अकाउंटिंग सीखो। सो मैं आप लोग को पढ़ाने वाली हूँ क्लास 12th का सब्जेक्ट बिजनेस स्टडी, जिसका पहला चैप्टर है नेचर एंड सिग्निफिकेंस ऑफ मैनेजमेंट। और इसमें हमारे 8 टॉपिक्स दिए हुए हैं, जिसको हम लोग वन बाय वन करके कवर अप करेंगे। सो टॉपिक स्टार्ट करने से पहले हम लोग थोड़ा इंट्रोडक्शन पार्ट देख लेते हैं, जान जाते हैं कि मैनेजमेंट होता क्या है। सो लेट्स गेट स्टार्टेड विद द मीनिंग। तो यहाँ पे मीनिंग दी हुई है, मैनेजमेंट इज द एक्ट और आर्ट ऑफ मैनेजिंग समथिंग। इसका मतलब किसी भी चीज़ को या किसी भी काम को अच्छे से मैनेज करके चलना इन अ प्रॉपर वे, जिससे हमारा जो भी काम हो, जो भी गोल हो, वो अच्छे से पूरा हो सके। ठीक है, ये क्लियर हो गया। ये बहुत बेसिक चीज़ें हैं। ये मैनेजमेंट हमारे सिर्फ ऑर्गेनाइजेशन के लिए नहीं, बल्कि हमारी डे टू डे लाइफ में भी एसेंशियल होती है। ठीक है, सो अब इंट्रो पार्ट पे आते हैं और देखते हैं कि ऑर्गेनाइजेशन में इसका क्या क्या रोल है। सो फर्स्ट पॉइंट इज मैनेजमेंट इज असेंशियल फॉर ऑल ऑर्गेनाइजेशन, बिग और स्मॉल, प्रॉफिट और नॉन प्रॉफिट, सर्विस और मैन्युफैक्चरिंग। मतलब मैनेजमेंट हर तरीके के ऑर्गेनाइजेशन के लिए असेंशियल होता है, इंपॉर्टेंट होता है, चाहे वो ऑर्गेनाइजेशन छोटा हो या बड़ा, उसमें प्रॉफिट हो रहा हो या नहीं हो रहा हो, वो सर्विस सेक्टर का हो या मैन्युफैक्चरिंग को, ये हर तरीके के ऑर्गेनाइजेशन के लिए असेंशियल है। ठीक है, नाउ सेकेंड पॉइंट इज मैनेजमेंट इज नेसेसरी सो दैट इंडिविजुअल्स मेक देयर बेस्ट कंट्रीब्यूशन टुवर्ड्स ग्रुप ऑब्जेक्टिव। अब मैनेजमेंट इसलिए भी ज़रूरी होता है कि ऑर्गेनाइजेशन में जितने लोग भी काम कर रहे हैं, वो अपना बेस्ट टू बेस्ट कंट्रीब्यूट कर पाए टूवर्ड्स एनी पर्टिकुलर गोल और ग्रुप ऑब्जेक्टिव। ठीक है, नाउ थर्ड पॉइंट इज मैनेजर्स टेक डिसीजंस एज टू हु विल डू व्हाट, व्हेन दे विल डू इट एंड व्हाट रिसोर्सेज दे विल यूज। अब इसमें जो मैनेजर्स होते हैं वो हर डिसीजंस मैनेज करते हैं, लोगों का हर डिसीजन सेट करते हैं कि किसको क्या काम करना है, कब काम करना है और क्या क्या रिसोर्सेज उसके लिए चाहिए होंगी। ठीक है, ये मैनेजर्स का काम होता है। नाउ फोर्थ पॉइंट इज मैनेजमेंट कंसिस्ट ऑफ अ सीरीज ऑफ इंटर रिलेटेड फंक्शंस दैट आर परफॉर्म्ड बाय ऑल मैनेजर्स। अब इसमें क्या है, मैनेजमेंट एक सीरीज है जिसमें कई सारे फंक्शंस इन्वॉल्व होते हैं और वो मैनेजर्स परफॉर्म करते हैं, जस्ट लाइक प्लानिंग, ऑर्गेनाइजिंग, स्टाफिंग, ये सब मैनेजमेंट के फंक्शंस हैं, जिसके बारे में हम लोग डिटेल में आगे पढ़ेंगे। ओके, नाउ कमिंग टू द एग्जाम्पल, मैनेजर्स हैव टू प्लान द ऑब्जेक्टिव ऑफ फर्म। ठीक है, मैनेजर ऑब्जेक्टिव प्लान करते हैं कि क्या टास्क किसको देना है। ओके, ऑर्गेनाइज रिसोर्सेज टू अचीव दैट ऑब्जेक्टिव। अब उसके लिए क्या क्या रिसोर्सेज चाहिए होंगी हमें, वो भी वही सेलेक्ट करते हैं। नाउ रिक्रूट एंड सेलेक्ट द एम्प्लॉयज़ हु कैन इम्प्लीमेंट दीज ऑब्जेक्टिव। अब जो उन्होंने ऑब्जेक्टिव को सेलेक्ट किया है, उसके लिए एम्प्लॉयज़ को सेलेक्ट करना कि कौन से एम्प्लॉयज़ उसके लिए सही होंगे, वो काम करने के लिए कौन से एम्प्लॉयज़ सही होंगे। ठीक है, एंड देन गिविंग डायरेक्शंस, कम्युनिकेटिंग एंड मोटिवेटिंग दीज एम्प्लॉयज़ टू अचीव ऑब्जेक्टिव्स इफेक्टिवली एंड एफिशिएंटली, एंड अल्टीमेटली चेकिंग वेदर एवरीथिंग इज गोइंग एज पर प्लान और नॉट। अब इसके बाद क्या होता है, वो डायरेक्शंस देते हैं एम्प्लॉयज़ को, कम्युनिकेट करते हैं, उन्हें मोटिवेट करते हैं, जिससे जो भी टास्क दिया हो उन्होंने वो बहुत अच्छे तरीके से काम कर सकें, और उसके बाद चेक करें पूरा काम होने के बाद कि वो काम अच्छे से उन्होंने किया है या नहीं किया है। ठीक है, यहाँ पे हमारा इंट्रो पार्ट ख़त्म होता है। अब आते हैं अपनी टॉपिक पे, जो कि है मॉडर्न कॉन्सेप्ट ऑफ मैनेजमेंट और मीनिंग ऑफ मैनेजमेंट। नाउ स्टार्टिंग द फर्स्ट टॉपिक विच इज़ मॉडर्न कॉन्सेप्ट ऑफ मैनेजमेंट और मीनिंग ऑफ मैनेजमेंट। ओके, अकॉर्डिंग टू मॉडर्न कॉन्सेप्ट, मैनेजमेंट इज द प्रोसेस ऑफ गेटिंग थिंग्स डन विद द एम ऑफ अचीविंग गोल्स इफेक्टिवली एंड एफिशिएंटली। नाउ हियर मैनेजमेंट एक प्रोसेस है जिसका मेन एम होता है जो भी गोल दिया गया हो उसको बहुत अच्छे तरीके से करना, सही टास्क को करना, और जितना कम से कम लागत लग रही है उसको लगाना, मीन्स कम से कम कॉस्ट में करना। ठीक है, अब क्या है, द कॉन्सेप्ट ऑफ मैनेजमेंट इंसिस्ट ऑन थ्री टर्म्स। अब ये जो मैनेजमेंट की हमने डेफिनेशंस पढ़ी है, उसके टर्म्स जो यूज़ हुए हैं उसमें, उसका एक्सप्लेनेशन यहाँ पे दिया हुआ है, जिससे हम लोग की डेफिनेशन और क्लियर हो जाएगी। ठीक है, पहला क्या है, प्रोसेस। प्रोसेस रिफर्स टू द सीरीज और सीक्वेंस ऑफ स्टेप्स। मैनेजमेंट इज अ प्रोसेस बिकॉज इट परफॉर्म सीरीज ऑफ फंक्शंस टू गेट द थिंग्स डन। दीज फंक्शंस आर प्लानिंग, ऑर्गेनाइजिंग, स्टाफिंग, डायरेक्टिंग एंड कंट्रोलिंग। अब प्रोसेस क्या है, एक सीरीज है, एक स्टेप है, एक ऑर्डर है। ठीक है, और मैनेजमेंट को क्यों प्रोसेस कहा गया है, क्योंकि इसमें कई सारे फंक्शंस इन्वॉल्व होते हैं किसी भी काम को करने के लिए। वो फंक्शंस क्या क्या हैं, प्लानिंग, ऑर्गेनाइजिंग, स्टाफिंग, डायरेक्टिंग एंड कंट्रोलिंग। यहाँ पे मैं थोड़ा थोड़ा इसके बारे में डिफाइन कर देती हूँ। ठीक है, प्लानिंग क्या होता है, मान लीजिए हम लोग कोई टास्क चूज किए हैं, उसके बारे में प्लान करना कि क्या कैसे करना है, उसके बाद क्या क्या रिसोर्सेज, क्या क्या चीज़ें लगेंगी, उसको ऑर्गेनाइज करना। देन स्टाफिंग मीन्स कोई मैन या वर्कर जो भी हो उनको हायर करना कि कौन से वर्कर उस चीज़ के लिए सुटेबल रहेंगे। उसके बाद डायरेक्टिंग, डायरेक्टिंग मीन्स उन्हें डायरेक्शन देना,
उनको मोटिवेट करना, ठीक है, अच्छे से कि वो काम अच्छे से इफेक्टिवली और एफिशिएंटली करें। उसके बाद एट लास्ट कंट्रोलिंग करना, मीन्स चेक करना कि जिस तरह का काम हम लोग ने दिया है, जो टास्क दिया है, वो वर्कर्स ने अच्छे से किया है या नहीं। ठीक है, ये हैं इसकी छोटी छोटी डेफिनेशंस। और इसके बाद हम लोग आते हैं सेकेंड पॉइंट पे, जो कि है इफेक्टिवनेस। इट इज़ कंसर्न विद डूइंग राइट टास्क, कंप्लीटिंग एक्टिविटीज एंड अचीविंग गोल्स। इफेक्टिवनेस का मतलब ये होता है कि सही टास्क को करना अच्छे से और गोल्स को पूरा कर लेना, ठीक है। और एफिशिएंसी क्या है? इट रिफर्स टू डू द टास्क इन द राइट वे, दैट इज विथ मिनिमम कॉस्ट एंड ऑप्टिमम यूटिलाइजेशन ऑफ रिसोर्सेज। और एफिशिएंसी का क्या मतलब होता है? कि जो भी टास्क दिया हुआ उसको अच्छे वे में करना, अच्छे तरीके से करना, जिससे क्या होगा कि हमारी कम से कम कॉस्ट लगे और अच्छा यूटिलाइजेशन हो जो भी रिसोर्सेज हम लोग यूज़ कर रहे हैं, ठीक है, कम कॉस्ट में अच्छा आउटपुट ले आना, इसको एफिशिएंसी बोलते हैं। और आई होप इतना आपको लोग को समझ में आया होगा। और अब आगे इन दोनों के बीच में डिफरेंस देख लेते हैं, जिससे और क्लियर हो जाएगा, ठीक है। नाउ डिफरेंस बिटवीन इफेक्टिवनेस एंड एफिशिएंसी। सो पहले हम लोग मीनिंग देख लेते हैं। इफेक्टिवनेस, इट रिफर्स टू कम्प्लीटिंग द टास्क ऑन टाइम नो मैटर वॉट एवर द कॉस्ट। इसमें क्या होता है? इफेक्टिवनेस मीन्स कि जो भी टास्क दिया है उसको आप टाइम पे पूरा करके दो, इसमें कॉस्ट से मतलब नहीं रहता है, ठीक है। एंड एफिशिएंसी, इट रिफर्स टू कम्प्लीटिंग द टास्क विथ मिनिमम कॉस्ट, ऑप्टिमम यूटिलाइजेशन ऑफ रिसोर्सेज एंड इन कॉस्ट इफेक्टिव मैनर। इसमें क्या होता है एफिशिएंसी में? कि जो भी हमें टास्क दिया है उसको कम से कम लागत में करना, मीन्स कम से कम कॉस्ट में करना, और अच्छे से जो भी रिसोर्सेज दिया हुआ है उसको अच्छे से यूज़ करना, ठीक है, मीन्स कम कॉस्ट में अच्छे से आउटपुट अपना ले आना, ये होती है एफिशिएंसी, ठीक। नाउ ऑब्जेक्टिव, इसमें क्या होता है? टू अचीव एंड रिजल्ट। हमें एंड रिजल्ट से मतलब रहता है कि अच्छे से टाइम पे वो टास्क पूरा हो गया है कि नहीं। अब एफिशिएंसी में क्या होता है? टू कंडक्ट कॉस्ट बेनिफिट एनालिसिस। अब इसमें हम लोग कॉस्ट देखते हैं ना, कि अच्छे मतलब कम से कम कॉस्ट में हमारा आउटपुट अच्छे से आ जाए, इसमें वो रहता है। नाउ थर्ड मेन कंसिडरेशन क्या है? ऑब्वियसली इफेक्टिवनेस में एंड रिजल्ट, हमें आखिर के रिजल्ट से मतलब रहता है कि अच्छे से वो हो पाया है नहीं। और एफिशिएंसी में क्या है? कॉस्ट से मतलब है, मींस कम से कम कॉस्ट लगाकर अच्छे से हम लोग ऑप्टिमम यूटिलाइजेशन करें अपने जो भी रिसोर्सेज दी हुई है और आउटपुट ले आए। नाउ एट लास्ट डेफिनेशंस देख लेते हैं। पहली है जेम्स एल लुडने की, दैट मैनेजमेंट इज द आर्ट ऑफ नोइंग एग्जैक्टली व्हाट यू वांट योर मेन टू डू एंड देन सीइंग दैट दे डू इट इन द बेस्ट एंड चीपेस्ट वे। इसका मतलब मैनेजमेंट एक आर्ट है ये जानने की कि हमें अपने वर्कर्स से या एम्प्लॉयज से क्या काम करवाना है और देखना है कि वो अच्छे तरीके से कर रहे हैं या नहीं कर रहे हैं, मीन्स इन द बेस्ट एंड चीपेस्ट वे, मतलब कि बहुत अच्छे से करना और कम से कम कॉस्ट यूज़ करके करना, ठीक है। ये फर्स्ट डेफिनेशन हुई। देन सेकेंड वन इज़ टू ईजी, दैट मैनेजमेंट इज़ द आर्ट ऑफ गेटिंग थिंग्स डन थ्रू अदर्स। मीन्स मैनेजमेंट एक आर्ट है दूसरों से काम कराने की, मतलब अपने जो भी वर्कर्स हैं, एम्प्लॉयज़ हैं, उनको अच्छे से मैनेज करके वर्क करवाना। ओके, सो आई होप कि ये वीडियो आपको समझ आया होगा। सो प्लीज़ डू लाइक एंड शेयर। सो और अब मिलते हैं हम लोग नेक्स्ट वीडियो में।